दोस्तों, महान दार्शनिक सुकरात जी ने अपने अनमोल वचन में कहा है कि बीता हुआ कल एक इतिहास था और आने वाला कल रहस्यमय होगा, लेकिन आज भगवान का जो उपहार है इसलिए हम इसे वर्तमान कहते हैं। जहां सम्मान होता है वहां डर भी होता है, लेकिन जहां सम्मान नहीं होता है वहां डर भी नहीं होता है। मूल्यहीन व्यक्ति केवल खाने पीने के लिए जीता है, जबकि मूल्यवान व्यक्ति केवल जीने के लिए ही खाते और पीते हैं। मैं बुद्धिजीवी हूँ क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मृत्यु जो परम सत्य है वही तो सबसे बड़ा मानवीय वरदान है। सिर्फ जीना मायने नहीं रखता, बल्कि सच्चाई से जीना मायने रखता है। साहसी व्यक्ति वही है जो भागता नहीं है, बल्कि अपने स्थान पर बना रहता है और शत्रुओं का सम्मान करता है। आप शादी करो या न करो, चाहे ब्रह्मचारी रहो, परंतु दोनों को बाद में पछताना ही पड़ता है। जो भी हो पर शादी तो कीजिए। यदि आपकी पत्नी अच्छी होगी तो आपको खुशियाँ मिलेंगी, और अगर आपकी पत्नी अच्छी ना भी होगी तो आप दार्शनिक बन जाओगे। वही व्यक्ति धनवान बनता है जो कम से कम संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्ट प्रकृति की दौलत है। स्वयं को बेहतर बनाने के लिए अपना समय दूसरों के लेखों को पढ़ने में लगाएं, जिससे आप आसानी से वह हासिल कर सकते हो जिसके लिए दूसरों ने कड़ी मेहनत की है। मित्रता भले ही देख समझकर आराम से करें, लेकिन जब एक बार मित्रता हो जाए तो उसे बहुत ही विश्वास और मजबूती के साथ निभाते हुए चले। ज्ञान के समान पवित्रतम कोई वस्तु नहीं है। झूठे और कटु शब्द सिर्फ खुद में बुरे नहीं होते, बल्कि वो आपकी आत्मा को भी बुराई से संक्रमित कर देते हैं। सही बुद्धि तभी आती है जब हमें एहसास होता है कि हम जीवन को, खुद को और अपने आसपास की दुनिया को कितना समझते हैं। आत्मा अजर अमर है, लेकिन जो व्यक्ति नेकी के मार्ग पर चलते हैं उनकी आत्मा दिव्य और अमर होती है। सच्चा ज्ञान संभव है, बशर्ते उसके लिए ठीक तौर पर प्रयत्न किया जाए। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना बस समान रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। अधिकांश गहरी इच्छाओं से घोर नफरत पैदा होती है। जो जीवन आलस में बिताया जाए वो जीवन आत्महत्या करने जैसा है। यदि स्वयं को जानना चाहते हो तो सबसे पहले खुद के बारे में सोचिए। एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा ही एक बच्चे की तरह होता है। जो बातें हमारे समझ में नहीं आती हैं या हमारे सामने आई हैं, उन्हें तत्संबंधी घटनाओं पर हम परखें, और इस तरह अनेक परख के बाद हम एक सच्चाई पर पहुंच सकते हैं। जीवन में सत्य, न्याय और ईमानदारी का अवलंबन करें। हमें यह बात मानकर ही आगे बढ़ना है कि शरीर नश्वर है। कभी मात्र देवताओं के व्याख्याकार होते हैं। यदि सम्मान पाना चाहते हो तो दूसरे के साथ व्यवहार करो जैसा बनने का आप दिखावा करते हैं। एक बार आदमी के बराबर होने के बाद महिला श्रेष्ठ बन जाती है। सौंदर्य एक अल्पकालिक अत्याचार है। स्मार्ट लोग हर किसी से सीखते हैं, औसत लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं, और बेवकूफ लोग कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं। शिक्षा का अर्थ है एक लौ जलाना, ना कि किसी बर्तन को भरना। मुझे अपने अज्ञान तथ्य के अलावा और कुछ भी पता नहीं है। आप कुछ नहीं जानते, इस बात का ज्ञान ही केवल सत्य ज्ञान है। मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं केवल उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूँ। जो व्यक्ति के पास है यदि उससे संतुष्ट नहीं है तो वह चाहता है उसे पाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होगा। संतुष्ट ही प्राकृतिक धन है और भोग विलास कृत्रिम गरीबी है। धन के स्थान पर ज्ञान को वीर्यता दे, क्योंकि ज्ञान शाश्वत है और धन क्षणभंगुर के समान है।
न्यायाधीश के चार गुण होते हैं, नम्रता से सुनना, बुद्धिमानी से उत्तर देना, गंभीरता से विचार करना और निष्पक्षता से निर्णय लेना। जो अचानक से बदल जाए उसके लिए शोक मत करो, हो सकता है कि उन्होंने अभिनय छोड़ दिया हो और अपने असली रूप में लौट आए हों। जब आप सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितनी की हवा को, तो आपको सफलता मिलेगी और सफलता का और कोई रहस्य नहीं है। परिवर्तन का रहस्य आपकी सही ऊर्जा को पुराने से लड़ने पर नहीं बल्कि नए निर्माण पर केंद्रित करना है। अन्याय करने के बजाय न्याय को सहना बेहतर है।